हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, वो हमने करा दिए थे। प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो आपको एडेड मिल जाएंगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको प्लेलिस्ट में उसके भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से जाके इजीली उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, जो है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं इसे। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। हमें यहाँ पे कुछ केमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसे हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया है पिछले क्लासेस में कि जब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, तो रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उसे हम चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। मींस ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो जब भी कोई इक्वेशन बैलेंस होगा, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, मींस दोनों साइड के एटम्स इक्वल होंगे। चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा NH3 plus CaOH का होल ट्वाइस गिव्स राइज टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स देखना है, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में जो हमारा हाइड्रोजन है 1 है और यहाँ पर 2 है, तो टोटल जो हाइड्रोजन के एटम है 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3 हो गए। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में हमारे नंबर ऑफ एटम ओनली 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। अब यहाँ 2 था, यहाँ हमने 2 लगा दिया, 1 था तो ये भी 2 हो गया, तो 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पर भी हम इसे 2 कर देंगे, तो 2 2 जा हो जाएगा 4। अब क्या करना है, हमें नाइट्रोजन देखना है। नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ एक भी नहीं है, तो मीन्स रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के जो एटम है वो ओनली 2 है। और यहाँ प्रोडक्ट साइड में जब जाएंगे तो देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो नाइट्रोजन के हैं वो भी 2 है। अब हमें देखना है ऑक्सीजन, विच इज 3 2 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 2 है, तो 6 + 2 टोटल हो गए 8। अब जब हम प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो देखेंगे O3 × 2, तो 3 2 6 और यहाँ पर 2, तो 6 + 2 हो गया यहाँ पर 8। अभी देखना है हमें कैल्शियम, कैल्शियम जो है हमारा 1 है और प्रोडक्ट साइड में जब जाएंगे तो वहां भी कैल्शियम की जो नंबर ऑफ एटम्स है वो भी 1 है। मींस जो ये रिएक्शन है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगाते ही हमारा पूरा बैलेंस हो चुका है। आप इसे एक बार खुद से भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बी पार्ट, NaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू Na2SO4 प्लस H2O। अब देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो Na है सोडियम, हमारा रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 एटम है। जब हम प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 एटम्स हैं। अब इससे भी हमें 2 बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन जो है हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 + 4 टोटल हो गया 6। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर 4 और यहाँ ओनली 1, तो 4 + 1 5 है, इसे हम यहाँ 2 लगा देंगे तो टोटल हो जाएगा 6। अब यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स थे वो भी हमारे इक्वल हो चुके हैं। अब हमें देखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। अब जब हम प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो 2 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब देखते हैं सल्फर, सल्फर विच इज 1 ओनली, और जब हम प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ भी 1 है। मीन्स ये जो रिएक्शन है, नंबर ऑफ जितने भी एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी अभी हो चुके हैं, तो ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब देखते हैं पार्ट सी, विच इज NaCl प्लस AgNO3 गिव्स राइज टू AgCl प्लस NaNO3। अब चेक करते हैं इसे बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर है सोडियम एटम 1 एलिमेंट, यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे भी 1 एटम है सोडियम एलिमेंट का। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है, सिल्वर जो है वो 1 है एंड देन प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। मीन्स इस रिएक्शन में तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो रिएक्शन फी जो थी हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, थैंक गॉड हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। चलिए देखते हैं अब डी पार्ट,
BaCl2+H2SO4 gives rise to BaSO4+HCl. अभी इसको देखते हैं बैलेंस है या नहीं है. बैलेंस होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम कर लेंगे. चलिए ये है हमारा बेरियम, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी हमारा 1 है. क्लोरीन हमारी 2 है, क्लोरीन हमारा इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगाते ही ये भी 2 हो गया बैलेंस. हाइड्रोजन हमारा 2 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में जब जाएंगे तो यहाँ भी 2 हो चुका है. यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो अब हमारे डी पार्ट की जो इक्वेशन है वो भी बैलेंस हो चुकी है. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के जो क्वेश्चन थे रिएक्शंस के बैलेंस करना था, उसे हमने पूरी तरीके से बैलेंस कर दिया है. आप इसे एक बार और चेक कर सकते हैं. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो यहाँ पर हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जितने भी यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं नेमिंग वर्ड्स में. तो सबसे पहला इक्वेशन हम देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मूला होगा वो देख लेते हैं. कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1. तो इसे हम क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा कैल्शियम का यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस. तो यहाँ लिख देंगे हम CaOH का होल ट्वाइस. अब क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. हमें पता है CO2 गिव्स राइज टू, हमें कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है. तो देखेंगे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 है, मींस कैंसिल हो जाएंगे 2-2, तो CaCO3 हो जाएगा CaCO3. अब वाटर हमें पता है H2O. अब यहाँ वैलेंसी तो हमने यहाँ लिख ली है वैलेंसी के साथ जितने फॉर्मूलाज थे, अब इसे बैलेंस भी करना है हमें. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स देख लेंगे कि रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में कितने हैं. तो देख लेते हैं कैल्शियम जो है रिएक्टेंट साइड में यहाँ नंबर ऑफ एटम 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी हमारा 1 है. ऑक्सीजन देखते हैं 2 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितने हो गए 4. यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं 3+1 4 है, कंप्लीट बैलेंस है. हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है. कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा 1 है, मींस ये रिएक्शन फुल्ली बैलेंस्ड है. बस हमें रिएक्शन लिखना था, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है. चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज पार्ट बी. तो ये जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स राइज टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. तो यहाँ हम देखते हैं जिंक जो है, जिंक की सिंबल होती है Zn, एंड देन सिल्वर नाइट्रेट. तो सिल्वर का जो वैलेंसी है वो 1 है और नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा AgNO3. AgNO3. अब हमें क्या बनाना है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. तो जिंक नाइट्रेट, तो जिंक की वैलेंसी है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी है 1, तो जब इसे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस. ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर Ag होता है सिंबल. अब हमें इसे रिएक्शन तो लिख लिया हमने, इसे बैलेंस करने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, चलिए बैलेंस करते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं जिंक के. जिंक जो है वो रिएक्टेंट साइड में 1 है नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है. सिल्वर 1 है एंड देन यहाँ भी सिल्वर 1 है, लेकिन नाइट्रेट NO3 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देंगे. तो जो सिल्वर जो है वो बैलेंस था Ag, अब वो डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ 2 लगा देने से ये भी बैलेंस हो जाएगा. एक बार और चेक कर लेते हैं, जिंक हमारा रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, सिल्वर 2 है, यहाँ भी सिल्वर 2 है, NO3 यहाँ पर 2 हो गया यहाँ लगाते ही, और इस साइड में भी 2 है, मींस NO3 टोटल वैल्यू 2 है. तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था वो भी रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है. अब चलिए सी और डी पार्ट भी देख लेते हैं. अब सी पार्ट देखते हैं अपना, यहाँ पे है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स राइज टू एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर. तो यहाँ पे एल्युमिनियम का सिंबल होता है हमारा Al और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो हमारी 2 होती है और क्लोराइड की 1, तो यहाँ से हो जाएगा CuCl2. तो यहाँ हो जाएगा CuCl2 gives rise to aluminium chloride. यहाँ पर एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है
और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो जब हम क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा AlCl3। कितना हो जाएगा? AlCl3। और कॉपर हमें पता है सिंबल Cu होता है। अब यहाँ रिएक्शंस तो हमने लिख ली है, लेकिन इसे बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है हमारा रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इसके 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। अब कॉपर देखते हैं, कॉपर 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में कॉपर 1 है, लेकिन जब क्लोरीन देखेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो यहाँ हम 3 लगा दें और यहाँ अगर 2 लगा दें तो क्या ये बैलेंस हो गया है? क्लोरीन बैलेंस हो गया, 3 2 6 और यहाँ भी 2 3 6, लेकिन यहाँ पे कॉपर डिसबैलेंस हो गया, तो कॉपर हो गया 3 और यहाँ भी 3 लगा देंगे। एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब ये रिएक्शन फुल्ली बैलेंस्ड है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज पार्ट डी। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा BaCl2। तो रिएक्शन लिखेंगे हम BaCl2। अब प्लस करेंगे यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2। जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा K2SO4। यहाँ हम लिख देते हैं K2SO4। अब आगे देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 2 सेम है, तो हो जाएगा BaSO4। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 इक्वल है, तो सेम लिख देंगे KCl। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन बैलेंस भी करना है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, बेरियम जो है वो रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा 1 है। क्लोरीन कितनी है? 2 है और इस साइड में हमारी 1 है, तो अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या ये बैलेंस हो जाएगी? बिल्कुल बैलेंस होगी। अब देखते हैं क्लोरीन यहाँ पे, सॉरी पोटेशियम जो है वो 2 है और इस साइड भी पोटेशियम 2 है। सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पे, सॉरी सल्फेट के नंबर ऑफ एटम्स 1 है और इस साइड भी प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। तो हमें यही करना था कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना था और नेम लिखना था। फॉर्मूला वाइज हमने क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चन थे उसे फॉर्मूला में लिख दिया और इसे बैलेंस करना भी सिखा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है एंड यहाँ पता करना है कि किस टाइप का ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं और इसे पहले फॉर्मुलाज में लिखना होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपको इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स राइज टू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे पोटेशियम की जो वैलेंसी है वो 1 है और ब्रोमाइड की जो वैलेंसी है वो 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा KBr। तो यहाँ हम लिख लेंगे, चलिए यहाँ देख लेते हैं, KBr प्लस करना है हमें क्या है, बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम की जो वैलेंसी है 2 है, आयोडाइड की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगी BaI2। ये हो जाएगा हमारा BaI2। अब रिएक्ट करेगा तो दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी 1, तो यहाँ हो जाएगा Ki प्लस यहाँ पे है बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम की वैलेंसी है 1 और ब्रोमाइड की वैलेंसी, सॉरी बेरियम की वैलेंसी है 2 और ब्रोमाइड की वैलेंसी है 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा BaBr2। तो यहाँ हो जाएगा ये BaBr2। अब यहाँ रिएक्शन तो हमने लिख लिया है लेकिन इसे बैलेंस भी करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो पोटेशियम के रिएक्टेंट साइड में 1 है और हमारे प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। यहाँ पे ब्रोमीन की जो नंबर ऑफ एटम्स है 1 है और यहाँ 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, लेकिन यहाँ जो पोटेशियम है प्रोडक्ट साइड में वो डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना होगा। अब ठीक है,
आप देखेंगे बेरियम जो है वो 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, यहाँ पे आयोडीन 2 है और इस साइड में भी 2 है, मींस ये रिएक्शन हमारी फुली बैलेंस्ड हो चुकी है। लेकिन किस टाइप का रिएक्शन है, यहाँ देखेंगे पोटेशियम डिस्प्लेस कर रहा है बेरियम को, तो बन जा रहा है पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ से बेरियम रिप्लेस कर दे रहा है पोटेशियम को, तो यहाँ बन जाएगा बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ये, क्योंकि दूसरे एक दूसरे को दोनों डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब चलिए हम सेकंड पार्ट देखते हैं अपना। जिंक कार्बोनेट गिव्स राइज टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले देखते हैं जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट मींस जिंक की वैलेंसी हमारी 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी है 2, तो इसे जब हम क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ZnCO3। तो हम लिख लेंगे ZnCO3 गिव्स राइज टू जिंक ऑक्साइड, जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है CO2, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से साइंस स्टार्ट किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो फॉर्मूलाज भी इसके याद है हमें। अब देखते हैं हमें इसे बैलेंस करना है, तो जिंक की यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, यहाँ पे कार्बोनेट की जो नंबर ऑफ एटम्स है, सॉरी यहाँ पे इस कार्बन की 1 है और यहाँ भी 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1+2, टोटल 3 है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अपने। अब देखते हैं हम अपना पार्ट सी, विच इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल हमें पता है S2 प्लस क्लोरीन होता है Cl2 गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी हमारी 1 है, तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा HCl। अब यहाँ पर हमें इसे बैलेंस भी करना होगा, तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो हाइड्रोजन के हैं वो रिएक्टेंट साइड में हमारे 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो यहाँ अगर हम इसे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे 2 हो गए हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते टाइम भी ये दोनों फ्रेंड्स हो गए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अभी हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, एक सेकेंड। तो देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहा है, देख सकते हैं हम यहाँ, और कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बनता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, विच मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, मीन्स जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा HCl। अब हमें पता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा MgCl2, MgCl2। यहाँ पे हाइड्रोजन हमें पता है S2 होता है। अभी इतना आसान हो चुका है रिएक्शंस को लिखना, आप बहुत इजी तरीके से वैलेंसी के थ्रू किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसे बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स देखना है, तो ये हो गया Mg1 है रिएक्टेंट में साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते टाइम यहाँ 2 हो जाएगा और क्लोरीन हो गया हमारा 2, तो क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। अब यहाँ पर हमारा रिएक्शन भी बैलेंस हो चुका है, लेकिन हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है मैग्नीशियम और यहाँ पे MgCl2 बना रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हाइड्रोजन का, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट से रिएक्शंस की हमने करा दिए हैं, उसको बैलेंस भी कर दिया है और उसके टाइप ऑफ रिएक्शन भी बता दिया है जो इस क्वेश्चन में हमें जानना था, वहां तक हो चुका है। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.